दिनांक 14 दिसंबर 2022 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा करोड़ों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए थाना क्षेत्र के एसी सिटी के पास मोरफेस सोसाइटी से चार अभियुक्तों को, जिसमें राजनपुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम बाबू छपरा थाना रामकोला कुशीनगर, दूसरा राजीव तोमर पुत्र राजेंद्र तोमर निवासी नवादा थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर, तीसरा बंटी पुत्र अशोक कुमार निवासी भाईपुरा चौकी नई मंडी थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर, और चौथा राहुल चौहान पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम जामुना थाना अतरौली जिला अलीगढ़ वर्तमान पता नगर प्रेमनगर दिल्ली 86 को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन अभियुक्त, पहला राजन पुत्र राम प्यारे, दूसरा राजीव तोमर पुत्र राजेंद्र तोमर, तीसरा बंटी पुत्र अशोक कुमार को घायल अवस्था में, व चौथा राहुल चौहान पुत्र ओमपाल सिंह को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के संबंध में थाना बिसरख पर मुकदमा संख्या 785/2022 धारा 380 भाग भी पंजीकृत है। अभियुक्तों के कब्जे से सोने व चांदी के जेवरात व 57,000 रूपए नगद व एक कार महिंद्रा एक्सयूवी 500 व 3 अवैध तमंचे 315 बोर मय 7 कार 315 बोर व एक पेचकस व अन्य टूल्स चोरी का सामान व घटना के प्रयुक्त क्वांटो का रजिस्टर नंबर DL4CNB 8618 व चोरी के रुपयों से खरीदी गई महिंद्रा XUV DL10CG 4133 बरामद हुए हैं। सर, चोरी घटना खुलासा किया गया, सर क्या है पूरी जानकारी? देखिए, थाना बिसरख में आम्रपैली लेजर वैली सोसाइटी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें ज्वेलरी और कैश जाना बताया गया था। इसमें FIR नंबर 785/2022 जो है रजिस्टर हुआ था। इसमें जब हमने इसको अनावरण का प्रयास किया, टीम्स का गठन किया, तो चार लोग हैं, राजन, राजीव, बंटी और राहुल, इनका गैंग है जो कि फ्लैट्स में और पॉश कॉलोनीज में चोरी करते हैं, इनका नाम सामने आया। इस पूरी घटना के अनावरण में लगभग 18 दिन लगे, और जैसे कि इसमें इस पूरे गैंग का मूवमेंट जो है इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट रहा। नोएडा के अलावा गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, सीतापुर, गोरखपुर, कुशीनगर और नेपाल बॉर्डर तक ये लोग गए। उसके बाद मथुरा, राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, गुजरात में अहमदाबाद, हरियाणा में रोहतक, और फिर से वापस NCR इन लोगों का मूवमेंट रहा। ये लगातार मूवमेंट करते रहे, और जो हमारी टीम्स इसमें लगी हुई थी वो भी इन लोगों को लगातार, ये लगभग 2.5 हफ्ते ये चेस चला, जिसमें जैसे कि आप सबको पता है कल 3 अभियुक्त इसमें हैं। दौरान पुलिस मुठभेड़ उनको गिरफ्तार किया गया था और रिकवरी करी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 0.5 किलो गोल्ड, 2 किलो चांदी और कुछ कैश बरामद हुआ है। उसके अलावा एक क्वांटो गाड़ी, एक XUV गाड़ी भी बरामद हुई है। बहुत प्रोफेशनली तरीके से थाना बिसरख टीम ने इसका पूरी घटना का अनावरण किया है। तो इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इन सबका आपराधिक इतिहास है, इसमें जो एक व्यक्ति है राजन, उस पर उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्व में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। एक व्यक्ति है बंटी, जो पहले 10 साल जेल भी काट चुका है एक एसिड अटैक के केस में। राजीव का भी आपराधिक इतिहास इसमें है चोरी के मुकदमे में। ये तिजोरी ले गए थे, कैसे लेके गए थे और कहाँ डिस्पोज की थी, कहाँ काटी थी तिजोरी उन्होंने? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग लगातार मूवमेंट कर रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर ये मूव करते रहेंगे तो शायद पुलिस थक जाएगी या पुलिस इनका उस तरह से पीछा नहीं कर पाएगी या पुलिस को चकमा देंगे। तो उसी तरह से राजन का, कुशीनगर में रहने वाला है राजन, वो वहाँ कुशीनगर में ही एक घर में वो यहाँ चोरी ले